ये ब्राउन हुए हुए सेवियाँ निकाल लेंगे, कितने अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं देखिए। और इसी में ही हम अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ये घी डाल देंगे जर्सी का। मैं थोड़े सैंपल बता रही हूँ, इतना नहीं होता ये, तो इसके अंदर जो मैंने काजू बादाम लिया है वो डालिए। किशमिश ना डालें, किशमिश डालने से ख़राब हो जाता है। शुरुखुरमे में ताकत रहती है एकदम, शुरुखुरमा बना कर पी लीजिएगा और बच्चों को भी पिला लीजिएगा। तो ऐसा ब्राउन कलर होने तक फ्राई करिए। तो थोड़ा ब्राउन कलर आ गया है इसके अंदर, हम थोड़े इसके अंदर से निकाल लेंगे। सेवियों को साइड में करके थोड़ा रखेंगे इसके अंदर और थोड़े निकाल लेंगे। तो थोड़ा रख दिया हमने, अब लास्ट में थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। किशमिश ऐड करने के बाद में अपना शुगर डालेंगे। इसको अच्छे से एक 5 मिनट्स तक कम आंच पर और बड़ी आंच पर करते जाएंगे, कम फ्लेम बढ़ाएंगे कम करेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये सैंपल है, ईद का नहीं होता, लेकिन मैं सैंपल आप लोगों की YouTube फैमिली के लिए बता रहा हूँ। YouTube वाले भैया के लिए शुरुखुरमा बन रहा है। थोड़ी और शुगर ऐड करेंगे क्योंकि फिर फीका हो गया तो परेशानी होती, हम लोग ज़्यादा ही खाते शुगर। ये मैंने अलग से निकाल लिया है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट्स तक अच्छे से फ्राई करिए, क्योंकि फ्राई करने के बाद में ये जो ब्राउन कलर आता है ना, तो शुरुखुरमे में टेस्ट बहुत अच्छा आता। लोग मिल्क में डालते हैं, मैंने